चूल्हे बगैर चूल्हे के हमारे पकौड़े बन रहे हैं। सब गेस्ट करेंगे कैसे बन रहे हैं। ये जनाब मोहसिन बना रहा है हमारे घर में। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, क्या बना रहे हैं आप? समोसा बना रहे हैं। बड़ा अच्छा बनाया, और चिकन का भी मिक्सचर बड़ा अच्छा बनाया आपने सब्जियाँ डाल के। ये बनाया है सारे मोहसिन ने समोसे, और ये देखें मोहसिन बड़े अच्छा बना रहे हैं। मैं उम्मीद नहीं थी मोहसिन से कितना अच्छा बना लेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम बनाए सारे समोसे का काम इसने किया। ये देखें, ये माशाल्लाह कर रहे हैं समोसे फ्राई, और सारा हमारे किचन का काम जनाब मोहसिन ने किया। और अब मैं बनाने लगी हूँ चाट। मैंने डाले हैं चने, इसके ऊपर डालूंगी आलू, फिर मैं डालूंगी प्याज, और थोड़ा सा मैंने डाला है टमाटर, फिर हर धनिया, हरी मिर्चे, और इसके बाद जना मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी जो पुदीने की चटनी होती है ना, वो हाजमे के लिए होती है, और उस पर टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ पुदीने की चटनी, और चाट मसाला इज़ माई मोस्ट फेवरेट इन्ग्रीडियंट। और फिर मैं ऐड करूँगी जनाब इमली का पानी। जी हाँ, ये ठंडा भी होता है तासीर में, और ये बन गई है मेरी फटाफट वाली चाट। और इसके बाद चार किस्म की इमली की चटनियाँ बनाई हैं मैंने। इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, ये जो मछली के साथ चटनी स्पेशली खाई जाती है ना इमली आलू बुखारे की, वो, और फिर पुदीने की चटनी। लगा लिया मैंने कट, ठीक है। कट लगाने के बाद मैंने लिया लाल मिर्चें, वो ऐड किए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जनाब चिकन टिक्का। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया जनाब चिकन टिक्का। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली पिसी हुई मिर्चें, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी जनाब नमक, क्योंकि साथ बहुत सारा काम है, तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक। इसके बाद इसमें डालिए जनाब अदरक लहसुन, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल डालना है। थोड़ा सा इसमें डालना है जनाब सोया सॉस, ठीक है, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है जनाब सिरका, ठीक है, बस इतना, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब इसको मैं अच्छी तरह करूँगी मिक्स। ये मैंने कर लिया अच्छी तरह मिक्स, और मिक्स करके देखिए अच्छी तरह अंदर तक मसाला चला गया। मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में 15 मिनट के लिए, टाइम बहुत शॉर्ट था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, अब ये देखें, अब इसमें मैंने डाला है मैदा, ठीक है, ये मैदा है मेरे पास जनाब। इसको हम मैदे को ऐसे करेंगे, इसके बाद इसको हम डिप करेंगे पानी में, ठीक है। हमने इस पर लगाना है पानी अच्छी तरह। पानी में डिप करने के बाद हमने दोबारा इसको मैदे में ऐसे मसलना है, अच्छी तरह इसको मसलना है मैदे में। आपने रख देना है ऐसे। ये देखें जनाब, ये मैंने चिकन साथ साथ मल मल के अच्छी तरह मैदे में रख दी है। ऑयल हो गया तेज़ अच्छा वाला गरम, और मैं कर रही हूँ इनको फ्राई। आपने पहले एक साइड पलटनी है और फिर दूसरी साइड पलटनी है। कोशिश करें इसके ऊपर कैप लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि अच्छी तरह गल जाए। बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ ताकि कच्चा ना रह जाए, आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेरी बन रही है यखनी, मोस्ट फेवरेट, गर्मी हो या सर्दी हो मैं यखनी, बस मेरा क्रेज़ है, मुझे पसंद है, इसलिए मैं यखनी जो है ना वो ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ बन रहे हैं जनाब मेरे गर्मा गर्म पकौड़े, इसका बीटर तैयार है, टाइम बहुत थोड़ा रह गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और यहाँ पे बन रहे हैं मेरे मिक्स पकौड़े, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टीम दे दिया ताकि अच्छी तरह से गल जाए, अंदर से कच्चा ना रह जाए। और ये मेरे पे खरबूजे, ये मेरे बनाए हैं साथ साथ लेग पीस, और यहाँ पे हमारा बन रहा है जनाब टैंग। ये बन गए मेरे KFC वाले जनाब लेग पीस, और साथ ही रख दिया मैंने फीडर आर्यन का बॉयल होने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें मेरी वीडियोज़ को, और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को ऐसे देखते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, फी मान अल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है।